हेलो दोस्तों, टेक्निकल वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अलाउद्दीन। आज की वीडियो में बताऊँ कि व्हाट्सअप का टॉप 5 ट्रिक के बारे में, जिसे आप नहीं जानते हैं, हो सकता 99% लोग नहीं जानते इस ट्रिक को। दोस्तों, इस ट्रिक को सीखने के लिए वीडियो को थोड़ा पूरा देखना होगा, थोड़ा सा भी स्किप ना करें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब के बाद जो बेल का आइकन वो भी दबा दे, क्या होगी जो भी न्यू वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सअप ओपन कर लेना है। चलिए मैं व्हाट्सअप ओपन कर लेता हूँ। व्हाट्सअप ओपन करने के बाद जैसे सबसे पहला ट्रिक है गया दोस्तों, स्टेटस आपका फ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो। दोस्तों, आप किसी का भी स्टेटस देखते हैं, आपको फ्रेंड या गर्लफ्रेंड को पता चल जाता है कि आप उसका स्टेटस देख लिए। आप चाहते हैं कि आप उसका स्टेटस भी देख लोगे तो फिर भी उसको अपना फ्रेंड या गर्लफ्रेंड को पता नहीं चलेगा कि आप स्टेटस उसका देख लिए। इसके लिए आपको एक सेटिंग करना होगा। आपके लिए थ्री डॉट पर जैसे क्लिक करते हैं, आपसे देखिए सेटिंग पर जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको देखिए अकाउंट पर जाना है। अकाउंट पर जाने के बाद आपको देखिए प्राइवेसी पर जाना है। प्राइवेसी पर जाने के बाद देखिए रीड रिसिप्ट, इस पर देखिए आप इसे ऑफ कर देते हो तो क्या होता है कि इसे ऑफ कर देने से क्या होता है कि दोस्तों, आप किसी का भी अपने फ्रेंड का या गर्लफ्रेंड का स्टेटस देख भी लोगे तो आपको फ्रेंड या गर्लफ्रेंड को पता नहीं चलेगा कि आप उसका स्टेटस देख लोगे। इसके लिए आपको ऑफ करके रखना है रीड रिसिप्ट को, इसको ऑफ कर देना है। पहला ट्रिक ये हो गया दोस्तों। दूसरा ट्रिक मैं बता देता हूँ दोस्तों। दूसरा ट्रिक ये हो गया कि दोस्तों कि देखिए यहाँ पे कोई आपको इंग्लिश से बात करता है, उसको इंग्लिश से रिप्लाई नहीं दे पाता है। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, इसका मतलब हम समझ भी नहीं पा रहे इसका मतलब है क्या। इसको समझने के लिए आपको करना क्या होगा, इसको रिप्लाई कैसे देंगे आप इंग्लिश से ही, सब यहाँ से व्हाट्सअप कीबोर्ड से ही आप रिप्लाई दे सकते हैं। आपको कहीं यहाँ से कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको करना क्या होगा, इस व्हाट्सअप इसको किस तरह से करना है, इसको कॉपी कर लेना। जैसे जैसे कॉपी करते हैं आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना। जैसे पेस्ट करते हैं आपको यहाँ पर व्हाट आर यू डूइंग, इसको आपको करना है, इसको इस तरह से आपको इस तरह से कॉपी करना है यहाँ से। इसके बाद देखिए दो डॉट नज़र आ रहा है, उसको डॉट पे क्लिक करना है। डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे ट्रांसलेट लिखा हुआ है, ट्रांसलेट पे आपको क्लिक करना है। ट्रांसलेट पे जैसे क्लिक करते हैं आप, जैसे इस तरह से ओपन होगा। इसके बाद देखिए व्हाट आर यू डूइंग, इसको इंग्लिश है तो हिंदी कर देना। इसको देखिए यहाँ से टच करके आपको हिंदी कर देना है। व्हाट आर यू डूइंग की मतलब हो गया देखिए तो तुम क्या कर रहे हो। अब इसको आपको क्या करना है, इंग्लिश से रिप्लाई देना है। व्हाट आर यू डूइंग आपको इंग्लिश से रिप्लाई, इंग्लिश से कैसे रिप्लाई दे सकते हैं आप तो जान चुके हैं कि किसे समझ, इंग्लिश को कोई आपको भेजता है तो आप उसको कैसे समझ सकते हैं। अब उसको रिप्लाई कैसे दे सकते हैं, देखिए यहाँ पर हिंदी से लिखना है मैं सो रहा हूँ। अब इसको इस तरह से फिर आपको इसको कॉपी करना है। जैसे इस तरह से कॉपी करते आपको इसको डॉट पर क्लिक करना है। डॉट पर जैसे क्लिक करते आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे जाना, ट्रांसलेट पे आपको फिर क्लिक करना है। ट्रांसलेट पे जैसे क्लिक करते हैं आपको यहाँ से इंग्लिश कर देना है। फिर से देखिए यहाँ पे I am sleeping, देखिए इसको I am sleeping को कॉपी करने के लिए आपको यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी जैसे करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से आपको कट करना है। इसको यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं I am sleeping, इस तरह से आपको मैसेज कर सकते हैं। आप समझ चुके हैं कि किस तरह से आप इंग्लिश से बात कर सकते हैं। तीसरा ट्रिक ये हो गया कि दोस्तों कि आपको करना क्या है, तीसरा ट्रिक के लिए थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। थ्री डॉट पे जैसे क्लिक करते हैं सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे चैट का ऑप्शन मिलेगा। चैट पे जैसे क्लिक करते हैं आप अपना व्हाट्सअप को यहाँ से डार्क मोड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करते हैं डार्क लिखा हुआ, डार्क पे क्लिक करना है, आपका जो व्हाट्सअप है डार्क हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट्सअप जो पूरा ब्लैक हो चुका है। आप अपने व्हाट्सअप को डार्क मोड में कर सकते हैं। फिर तीसरा ट्रिक ये हो गया दोस्तों। चौथा ट्रिक हो गया कि दोस्तों फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे जैसे क्लिक करते हैं, चलिए मैं सबसे पहले इसको डार्क मोड से सेट कर देता हूँ। चैट पे क्लिक करते अपना, चलिए हो चुका है। चौथा ट्रिक ये होगा कि दोस्तों आप अपने व्हाट्सअप को लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं हिंदी करना चाहता हूँ, हिंदी कर सकते हैं। देखिए मैं हिंदी कर सकता हूँ, देखिए मेरा व्हाट्सअप जो पूरा हिंदी से हो चुका है। इंग्लिश में देखिए यहाँ पर चैट स्टेटस देख सकते हैं, यहाँ पर कॉल्स देख, इस तरह से आप हिंदी कर सकते हैं। ओके, चौथा ट्रिक से समझ चुके दोस्तों। पांचवा ट्रिक क्या है दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, पहचान जाना सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले इसको मैं लैंग्वेज चेंज कर लेता हूँ, इंग्लिश ठीक रहता है मेरे लिए। जो चलिए मैं इंग्लिश कर लेता हूँ, चलिए मेरा इंग्लिश हो चुका है। पांचवा ट्रिक ये हो गया कि दोस्तों देखिए इंटर इज सेंड, इसको ऑन करने से क्या होता है कि दोस्तों कि आप कभी भी किसी को मैसेज करते हैं, चलिए मैं बता देता हूँ। आप किसी को मैसेज करते हैं यहाँ पे, आप किसी को मैसेज करते हैं यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा दिखाई दे रहा है क्योंकि मैसेज करने के बाद देखिए यहाँ पे इंटर, ये देखो देखिए नीचे तब देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैं हाय, देखिए यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से भी आप इसको मैसेज को सेंड कर सकते हैं, आपको इस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं। ये पांचवा ट्रिक समझ चुके हैं दोस्तों। आप चाहते हैं कि फोटो वीडियो
या कुछ भी आपका फ्रेंड भेजता है गंदा गंदा वीडियो भेज देता है, ऑटोमेटिक गैलरी में चल सेव हो जाता है, आपके घर में मोबाइल रख देते हैं, चल जाते हैं कहीं घूमने के लिए, तो आपको फैमिली माँ बाप या भाई बहन कोई देख लेता है इस वीडियो फोटो को, तो आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे कोई भी फोटो भेजे गैलरी में शो ना हो जाए, इसके लिए आपको करना क्या होगा कि ये इसको जो आप देख रहे हैं इसको ऑफ कर देना है। इसे ऑफ कर दोगे तो क्या होगा कि आपको जो भी आप व्हाट्सएप पे कोई भी कुछ गंदा गंदा भेज देगा तो व्हाट्सएप के व्हाट्सएप पर ही रहेगा, आपका फोटो वीडियो गैलरी में सेव नहीं होगा। इस पर ये छोटा ट्रिक है दोस्तों। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट करके बताए दोस्तों वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।